नमस्कार, मैं रोशन सिंह, ग्रैड एक्सपर्ट, और अभी मैं हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में हूँ। आज मेरे साथ जो पेशेंट है, गुरमिंदर पाल जी हैं, जो मोहाली से आए हुए हैं। 7 दिन से यहाँ पे एडमिट हैं, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे। इनको थायराइड की प्रॉब्लम है, साथ में इनको कई सारी दिक्कतें हैं बॉडी में, स्टिफनेस, और स्टिफनेस के कारण ये जब बैठते हैं उसके बाद जब ये दोबारा से उठ के और चलना चाहते हैं उस टाइम पे इनको प्रॉब्लम्स होती है, ये बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे 7 दिन से एडमिट है, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इनसे जानते हैं इनको 7 दिन में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया है और इन्होंने क्या क्या यहाँ पे सीखा है। जी गुरमिंदर, हाँ पहले से थोड़ा बेटर है, लेग्स में स्टिफनेस थोड़ी सी बेटर हुई है। पंचकर्मा 5 दिन पंचकर्मा किया लगातार, तो उसके बाद जो लेग्स की स्टिफनेस है वो कुछ बेटर हो गई है। पहले से जो चलने में पहले से आसानी लगती है पहले से, और जो फीट फीट के जो मसल्स हैं वो भी थोड़े रिलैक्स हो गए हैं। हाँ हालांकि थोड़ा सा थाइज में स्टिफनेस है, लेकिन वो भी पहले से बेटर है थोड़ा सा। और दूसरी चीज मैंने ऐसे सीखी है कि हर रोज सुबह घास से चलने से, मैं लगातार 4 दिन सुबह घास पर चला, तो उससे मुझे जो मेरे जो फीट का मसल टाइट रहते थे, जो नर्व्स को, उससे नरमाहट मिलती है। तो उस आधा घंटा सुबह सुबह जो ऑलमोस्ट 6:37 के बीच में घास पर चला आधा घंटे के लिए, तो उसके बाद मुझे बेटर फील, बेटर और एनर्जेटिक फील हुआ। हाँ जी, डाइट बताता हूँ। सुबह 8 बजे फ्रूट्स की फुल प्लेट, जिसमें 4-5 अलग अलग तरह के फ्रूट्स होते हैं जो भी मेरी मतलब डाइट के लिए ठीक है। उसके बाद 11 बजे यहाँ पे स्प्राउट्स दिए जाते हैं, स्प्राउट्स के साथ जो न्यूट्रिशियस होते हैं काफ़ी। फिर स्प्राउट्स के बाद नारियल पानी भी मेरी डाइट में है, क्योंकि मेरी ऑटोइम्यून डिजीज़ है मेरी, तो नारियल पानी मैंने पिया था यहाँ पे, वो भी है। और बादाम डॉक्टर ने कुछ मुझे रिकमेंड किए थे न्यूरो प्रॉब्लम होने की वजह से, तो वो भी दिए गए हैं। और लंच में यहाँ पे पहले सैलेड दिया जाता है, लगभग डेढ़ से ढाई लंच टाइम होता है, तो पहले सैलेड की एक फुल प्लेट दी जाती है जिसमें अलग अलग टाइप के सैलेड होते हैं, और उसे 32 मतलब कि एक बाइट को 32 बार चबाना होता है, तभी वो अंदर जाके वो डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्ट वो ठीक हो पाएगा। तो उसे प्रॉपरली चबा के खाने के बाद फिर 5-10 मिनट का गैप डाल के फिर लंच में मिलेट्स होते हैं, तो मिलेट्स में हर रोज थोड़ा सा चेंज होता है। किसी दिन मिलेट्स की वो दाल होती है, किसी दिन मिलेट्स की खिचड़ी होती है, और साथ में सूप होता है कभी कभी दाल का। तो ये सारी चीजें मैंने देखी है। आपने हाँ जी, घर जाके ऐसे बात, कम से कम 6 से 9 महीने तक मैं इस डाइट को फॉलो करूंगा, और आज मेरा डिस्चार्ज है, तो कल से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये चीजें जितना जल्दी हो सके मैं अपने रूटीन में ले आऊं, और बस जस्ट कर जाके मैं स्टार्ट कर दूं ये अपने। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है, हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में यह हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए, और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।